नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को। और पहली बड़ी खबर जान लेते हैं जो कि आ रही है खुद भारत के एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ज्योतिराज सिंधिया की तरफ से जानकारी शेयर करके बताई गई है कि भारत में अभी भी नॉर्मल बेसिस पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हाल फिलहाल में चालू नहीं हो सकती है। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि अभी भी यूरोप के कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस पाए गए हैं, जिसको देखते हुए इस समय भारत में नॉर्मल बेसिस पर फ्लाइटें चालू नहीं की जा सकती है। यहाँ पर उन्होंने ये भी बता दिया है कि डोमेस्टिक फ़्लाइटें भले ही भारत में नॉर्मल बेसिस पर चालू की जा रही है, लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइटें जो हैं हाल फिलहाल चालू नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो अमेरिका की एयरलाइंस कंपनी अमेरिकन एयरलाइंस से आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में अमेरिकन एयरलाइंस के द्वारा दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए नई उड़ानों की शुरुआत कर दी गई है और अब यहां पर अमेरिकन एयरलाइंस मुंबई से भी नई फ़्लाइटों को चालू करने की तैयारियां शुरू कर रही है। यहां पर अमेरिकन एयरलाइंस का टारगेट है कि वो एयर इंडिया से यहां पर कंपटीशन कर सके और साथ ही साथ अब यहां पर पैसेंजर्स को भी कई नए ऑप्शन दिए जाएंगे, जिससे कि पैसेंजर जो लोग भी US के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट के साथ साथ अब मुंबई एयरपोर्ट से भी ट्रैवल कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर यहाँ पर GMR एयरपोर्ट लिमिटेड की तरफ से आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि भारत की कंपनी GMR एयरपोर्ट, जो कि भारत में कई सारे एयरपोर्ट को ऑपरेट करने का काम करती है, यहाँ तक कि दिल्ली एयरपोर्ट को भी ऑपरेट करने का काम जो कि GMR ग्रुप के पास है, यही GMR ग्रुप अब यहाँ पर इंडोनेशिया में भी एक नए एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट जीत चुकी है। जी दोस्तों, यहाँ पर GMR ग्रुप जो है इंडोनेशिया में एक नए एयरपोर्ट का निर्माण करने जा रही है और इसकी जो बोली थी वो GMR ग्रुप के द्वारा जीत ली गई है और आगे आने वाले समय में अब GMR ग्रुप के द्वारा इंडोनेशिया में एक नए एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी खबर है कि भारत की कंपनी अब दुनिया के दूसरे देशों में भी जाकर वहाँ पर एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू करने वाली है। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के साथ एक और खबर शेयर करना चाहेंगे जो कि अमेरिका से आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि इस खबर के अनुसार जब चेक इन के दौरान फ्लाइट में अल्कोहल ले जाने के लिए मना कर दिया गया, उसके बाद एयरपोर्ट पर ही कई सारी महिलाओं ने उस अल्कोहल को खुद में ही डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया और आपस में ही मिल बांट कर पी लिया। इसको लेकर किसी ने वीडियो बना लिया है और इस वीडियो को जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी बड़े लेवल पर शेयर किया जा रहा है। आप भी देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये महिलाएं जो हैं आपस में अल्कोहल को डिस्ट्रीब्यूट करके पी रही हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को लेकर अलग अलग लोगों की तरफ से अलग अलग राय देखने को मिली है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपने विचार भी नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की एयरलाइंस की खबरों में फिलहाल इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।